सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से आर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग टॉन लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 215 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक बॉटम था, ऊपर में स्टॉक के अंदर 216 रुपीज पर, 216 रुपीज पर स्टॉक में एक रेसिडेंट था जहां पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी और स्टॉक का जो पिछला सपोर्ट लेवल था 200 रुपीज का, स्टॉक ने उस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया और नीचे का नया लो बना स्टॉक के अंदर 189 रुपीज का। 189 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक लोअर सर्किट लगाया और यहां से स्टॉक में एक बॉटम बनने पर निचले लेवल पर एक रिकवरी आती हुई नजर आई। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज पोन में ट्रेड कर रहा था जहां पर ऊपर में स्टॉक 216 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था और नीचे का सपोर्ट लेवल था 200 रुपीज का, पर जैसे स्टॉक ने 200 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया स्टॉक के अंदर एक नया हाई बना 225 रुपीज का, परंतु ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 200 रुपीज का नीचे का एक स्टॉप लॉस, ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 200 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।